हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंकी जोकर में। मैं हूं यान जोकर, वही और अंदाज नया। दोस्तों आज की वीडियो वो होने वाली है बहुत स्पेशल। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी मेरी एक्सपोज वाली, तो उससे रिलेटेड मेरे पर काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, तो जिनमें से एक नाम मैं लेना चाहूँगा राठौर का, जो कि मेरे को काफ़ी मैसेज कर रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड पर प्रैंक करो, मेरी गर्लफ्रेंड पर प्रैंक करो। मतलब काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं, आज से नहीं उनके काफ़ी टाइम से मैसेज आ रखे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ एक बार उनकी गर्लफ्रेंड पे प्रैंक करना। वो कह रहे हैं कि बस सर आपकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वीडियोस देखता हूँ। मैं कहा चलो फ़ैन है भैया तो एक बनता है भैया, उनकी गर्लफ्रेंड पे प्रैंक करें। तो बेसिकली उनकी गर्लफ्रेंड, जो उन्होंने बताया कि वो टीचर हैं, लॉकडाउन में जॉब छूट गई है, जॉब ढूंढ रही है। मैं कहा चलो जॉब से रिलेटेड ही कुछ कर लेते हैं, भेज दो उन्हें जॉब के लिए और करते हैं शराबी प्रैंक जिसमें आने वाला बहुत मज़ा। तो देखो भाई यार आएंगी 4:30 के समथिंग। तो हमने कहा कैमरा वैमरा सेट कर ले, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। जैसी वो आती हैं आपको वीडियो देखने मिलेगी अच्छी। तो जी तैयार हो जाओ, देखो अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो, आपको आएगा मज़ा। चलो वेट करते हैं। दोस्तों अभी अभी फ़ोन आ चुका है, ऊपर आ रही है वो। तो जब तक ऊपर आ रही है हमने कहा चलो अपना बियर वियर लगाएं, एक पैक लगाएं और सो जाएं सेट। तो जैसी आती है आपको देख रहे हैं आप वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। बैठ जाते हैं थोड़ा सा देखूँ। आ गई, खुला है गेट। हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। हेलो मैडम, नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो इधर बैठ जाओ बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। सर आपने शायद ड्रिंक कर रखी है। हैं? सर शायद आपने ड्रिंक कर रखी है, मैं कल आती हूँ। ड्रिंक? आप इधर बैठो तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ। अरे ड्रिंक कर रखी है, पूरा होश रहता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। किसने भेजा ना तुम्हें? भेजा है, थोड़ा तेज बोलो मुझे ना, थोड़ा बहरा है, मतलब कानों की प्रॉब्लम है मुझे बहुत। ने भेजा है आपका? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओह नाइस, आपका बॉयफ्रेंड। ओहो ये बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड भी क्या कमाल की चीज होती है ना। लेट जाओ बैठ जाओ आराम से, कंफर्टेबल हो जाओ। क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? It's okay, sir. एक तो बोल इतनी आराम से रही हो तो समझ में वैसे ही नहीं आ रहा है। बहरा यू आर फाइन? ओह आई एम आल्सो फाइन, यू आर को देख के मैं फाइन फाइन हो गया। तो आपके बॉयफ्रेंड है? जी। बच्चे भी हैं आपके? नहीं। बच्चे नहीं है? कैसा बॉयफ्रेंड है यार? लगेज वगैरह नीचे रखा है आपका? ऊपर मंगवा लूँ या फिर नीचे रखा रहने दो आप? नहीं अभी नीचे रखे रहने दो आप। हैं? अभी नीचे ही रखने दो। बैठ जाओ, टिक जाओ यार, क्या हुआ? अरे अरे अपनी जगह है भैया, मीटिंग के लिए आई हो ना, जॉब चाहिए ना, तो बैठो आराम से बैठो, टिक जाओ। हाँ सर एक्चुअली। अरे बाप का माल है तुम्हारे यार, टिक जाओ बैठ जाओ। हद हो गई, पहली बार आई हो कैसी जगह पे, बैठने जा रहा है? हाँ सर पहली बार आई हूँ, क्योंकि पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, 6 तक के बच्चों को पढ़ाती। अरे तो यहाँ पढ़ाई थोड़ी हो रही है, मतलब मैं होटल में पहली बार आई हूँ। अरे भैया चलो कोई बात नहीं, पहली बार आई हूँ, हमारे सारे आपको होटल देखने को मिल गया। तो मतलब बच्चों को पढ़ाती थी आप? सर मैं बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे आई। थोड़ा पीठ पे हाथ चला देना यार, उल्टी हो रही है। अरे सहला दो थोड़ा। सर मैं कल आऊँ? आपने आज ज़्यादा पी रखे हैं, मैं कल आती हूँ। नहीं कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। सुना है क्या हुआ? हाँ सर जॉब है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की। यहाँ होटल में कहाँ बच्चों की जॉब। बच्चे होटल में करते क्या, 18+ आते हैं यार। आईडी जमा नहीं हुई क्या तुम्हारी भी? आईडी जमा हुई ना तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ आके, यहाँ तो बच्चे पैदा करे जाते हैं यार। यहाँ होटल में ला के कहाँ बच्चे पढ़ाए, यहाँ होटल में यहाँ बच्चे कहाँ आएंगे? तो जो पवन है, जो राठौर जी, वो राठौर से तो पापा लग रहे हैं तुम्हारे, फोटो में तो ऐसे लग रहे हैं पापा हो तुम्हारे। और तुम कह रही हो बॉयफ्रेंड है, कहा अधेड़ उम्र का आदमी फंसा लिया क्या? नहीं सर वो हमारे बॉयफ्रेंड ही हैं। हैं? वो हमारे बॉयफ्रेंड ही हैं। तुमने बस ही बॉयफ्रेंड फंसाया बुड्ढा आदमी। हैं? काहे?
तो देखो हम बताएं तुम्हें जो उन्हें ने बताया है क्या हमको देख के मुस्कुरा रही हो क्या? ड्रामा चल रहा है क्या यहाँ? सोच रही हो मैं पी रहा हूँ नशे में ड्रामा? सब होश है, सब होश है। तुम एक सुंदर सी लड़की हो, तुम्हारे प्यारे से होंठ, नाक, दो आंखें, ब्लैक शर्ट, जीन्स, सब याद है। अरे उधर डर क्यों रही हो? हैं? कोई नहीं सर, अगर जॉब है तो आप बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं चली जाती हूँ। जाना है? अच्छे लग रहे हो बैठे बैठे, पता है इससे नशा हो रहा, ऊपर से तुम्हें देख देख के और नशा हो रहा। बैठे रहो, मेरी बात तो तुम्हें वैसी लग रही होंगी, वो डराने वाली ना है, डर रही हो? ओ पाजी, देखो मैं मेरी टांग हटा लूँ, अनटच हो गई तो रेप का अंजाम लगा देगी। ओए पैसे वाले लोग देख के फंसा लेते हो तुम लड़कियाँ, मुझे पता है। सुनो, जॉब है, बच्चे पढ़ाने की तो है नहीं जॉब, जैसे मैंने उल्टी कर दी दारू पी के वो साफ करने की, और मैं गिर गया मुझे उठा के बेड पे लेटा दो, ठीक है, मेरी बोतलें इकट्ठे करके 2-2 रुपए की बेच दो, अमरूद खा लो, कबाड़ी वाले जो आते हैं कबाड़ी कबाड़ी 2 रुपए की बोतल बिक जाती है, अमरूद बेच के खा लो, मतलब ऐसी ऐसी जॉब है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब। और करोगी? सर करने के लिए तो मैं कर लूंगी, लेकिन मैं अरे बहरा हूँ, 50 बार बोल दिया, नशे में हूँ, सुनाई कम आ रहा है, तेज बोल रहे अम्मा मेरी। तो मैं कर लूंगी, बट क्या कहते हैं, अगर हमारे लायक जॉब होती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। अबे ये क्या, मैं सफाई करो भैया? देखो काम वाली जो होती ज्यादा तो लड़कियाँ होती हैं। सर बट मैं एजुकेटेड हूँ तो मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। एजुकेटेड हूँ बट सर मेरी मजबूरी है तो मुझे जॉब की नीड है, आप सर अगर है तो आप बता दीजिए कहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है सर, प्रॉब्लम है लॉकडाउन की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। लॉकडाउन ने तो ले ली भाई, सबकी ले ली लॉकडाउन में, हमारी बोतलें खत्म हो गई लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन की वजह से तो दिक्कत ही आ रही है, और हर किसी घर में प्रॉब्लम क्यों होती है मेरी ये समझ में नहीं आता है। अरे सब भैया माना प्रॉब्लम है तो दुख रेगा गाते फिर हैं सबके, वह कितनों की मदद करें। अच्छा चलो हमारा काम है तो मदद तो हम कर देंगे, ये तो सीखा ही नहीं कभी। थोड़ा पैर ऊपर रख दो ही मेरा पकड़ के, रहन दो, तुम छुओ ही मत यार, वरना मुझे लग रहा है तुम तो जॉब, देखो जॉब तो है हमारे पास, और जॉब है वो वाले जॉब तो पता नहीं है, हेलो सर, हेलो क्या कर रही हो? खड़ी हो गई मेरे ऊपर क्या? नहीं सर, मैं तो आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। जगाने की? तो बैठ जाओ ना सर, इट्स ओके, आप नशे में। नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ आराम से। हेलो सर, Thank you.
भाग जा भाग जा, फोन लेके भाग जा। नहीं सर। नहीं, फोन मेरा, फोन तुम्हारा, इधर आ जरा। क्या ड्रामा है? नशे में नहीं हूँ मैं, क्या ड्रामा है? सर सॉरी सर, मेरे इधर आइए। क्या ड्रामा है? हैं? सर मेरे नीचे बैठ, नीचे बैठो, नीचे बैठो, ऊपर बैठ। ये फोन कहाँ लेके जा रही हूँ मेरा? सर मेरे घर में, सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी सर, इस वजह से मैं लेकर जा रही थी। तुम तो फोन चुरा के लेके जा रहे थे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है सर, इस वजह से थोड़ा बहुत खर्चा। अच्छा मतलब तुम्हें लगा, नीचे बैठो जरा, तुम्हें लगा मैं नशे में हूँ तो तुम लेके जा रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता होटल में चाइल्ड लॉक वगैरह होते हैं, ये सब नहीं पता तुम्हें? ओ पहली बार आए, तुम्हें पता कहाँ से होगा, तो चोरी करने ही सोच रही हो? कैमरे होते हैं ये नहीं पता है? ये जो फोन है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये 1,00,000 रुपए का फोन है, ये तुम लेके जा रही हो दोनों, और तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल फोन उठाते हुए? सर हमारे घर में बहुत ज्यादा मजबूरी है, इस वजह से सर मुझे करना पड़ा। तो है सर मुझे माफ कर दी। तो आई तो थी जॉब के लिए, अब मतलब दिख रहा बंदा नशे में, तो भोली नहीं लेके निकल ली, गोल्ड डिगर हो क्या है? सर माफ कर दीजिए हमें, पुलिस को बुलाऊंगा। घर का नंबर दो अपना। नहीं नहीं सर प्लीज, प्लीज घर का नंबर दो प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। घर का नंबर दो, कॉल करूं घर पे बताऊंगा कॉल करके। प्लीज सर माफ कर दीजिए हमें प्लीज। ऐसी क्या मजबूरी है सर? हमें बहुत ज्यादा मजबूरी सर, हमें रेंट देना है लॉकडाउन के लिए, खाने के पैसे नहीं है सर। तो चोरी करोगे? सर हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, इस वजह से करना पड़ रहा है सर। कहाँ है आपका घर? वो बताया था शायद, वो गाजीपुर के पास आपका घर है? हाँ सर वहीं पे है। तो बोला अगर आपको प्रॉब्लम है, उसने तो कुछ नहीं बताया सर? हमने उनसे बताया था तो उन्होंने जॉब बताई थी बस। अरे यार शिट। बट यार ये अच्छी बात थी आपने ये सब जो किया अभी। हाँ सर पता है गलत बात थी सर, लेकिन मजबूरी कुछ भी कराती है। आज को ये कर रहे हो, कल गंदे काम भी करने लगो ऐसे तो मजबूरी के लिए? नहीं सर। बेसिकली मैं बताता हूँ, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसने तुम्हें यहाँ भेजा है, वो बेसिकली वो उसने कहा था एक छोटा सा मजाक करना है तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं एक मजाक करने के लिए आया, बट मुझे पता नहीं था आप अपने प्रॉब्लम में हो, सॉरी उसके लिए मैंने इतना चिल्लाया। आपने जो भी किया आपने यार, जैसे फ़ोन वोन निकाला वो मजबूरी के लिए, वो मैं दिख रहा है यार जो भी चीज़ है, बट मैं जो मतलब एक्टिंग कर रहा था वो कोई मैं शराबी नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं बेसिकली मजाक कर रहा था। मेरा एक छोटा चैनल है यूट्यूब पे जो कि देखता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है, उसने कहा था मेरी गर्लफ्रेंड प्रैंक करना, तो प्रैंक के लिए बुलाया था यहाँ पे। वो पीछे देख रहे हो, देखो वहाँ पे ना कैमरा लगा हुआ है वो पीछे दीवार के, तो उसने बोला था कि प्रैंक करना, बट मुझे नहीं पता था ये सब होगा यहाँ पे। तो जो भी आपने किया पहले तो आगे से कभी करना मत ऐसा, ये बहुत गलत चीज़ है यार। मैं छोड़ रहा हूँ, आगे से कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है? ओके सर। और अगर प्रॉब्लम है तो बोलना चाहिए उस चीज़ को, समझ रहे हो? ओके सर। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है? बाकी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो एक काम करो, मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, ठीक है? ये लो 2,000 रुपये ले लो भले ही, ये रख लो, थैंक यू, ठीक है? थैंक यू, ये रख लो और आराम से घर जाओ, जो भी रेंट वेंट या देना है और लेना हो ले लो। नहीं ठीक है सर, थैंक यू, कोई बात नहीं, ले लो, ये लो रख लो, मगर ये सब काम आज के बाद मत करना, ठीक है? जो चोरी चकारी अभी आपने करी ना ये सब, ठीक, ये मत करना, ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। मैं गेट, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गेट खोल देता हूँ, ये लो, देखो खुल गया होगा। हाँ निकल जाओ, ठीक है? हाँ दोस्तों से बाद में, पहले आप जी आपसे मैं कहना चाहूँगा यार, आपने बोला था प्रैंक करना है, बट मुझे नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है शायद आपका, आपको भी थोड़ा बदनामी झेलनी पड़ेगी, आपकी गर्लफ्रेंड थी इसलिए, बट कोई बदनामी वाली बात नहीं, जो उसने किया वो मजबूरी के लिए, उसकी मजबूरी शायद थी, तो जो चीज़ उसकी आज पता लगी कि मजबूरी थी वो तुम्हें भी पता लगी, मुझे भी पता लग रही है। अच्छा उसने कोई भी गलत काम के लिए नहीं सोचा कि मैं गलत काम कर लूँ,
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले तो आप उसके बहुत करीब हो, घर वालों से ज़्यादा आपको बातें बताती होगी, तो जाके पहले उसकी एक प्रॉब्लम है जो भी है उसको सॉल्व करना। मेरी तरफ से जो हुआ वो मैंने किया, और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूँ फॉर मोटिवेशन कि आगे कोई मतलब ऐसा हो, बट मुझे लगा था कि फ़ोन चुरा के भाग रही है कि गोल्ड डिगर टाइप किया चोर वो लड़की ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो लड़की ऐसी नहीं थी। तो बाद में देखा भाई चीज़ें लगा पता। बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर किसी को जैसे कि जी ने मुझे मैसेज किया, अगर और भी कोई किसी पे प्रैंक करवाना चाहता है या किसी को एक्सपोज करवाना, तो आप मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल फंकी जोकर।